नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर सराहट कर। सिटी हलचल अब YouTube के साथ साथ Google Play Store पर भी उपलब्ध है और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कॉलोनी में भारी बारिश के चलते एक मकान भर भरा कर गिर पड़ा, जिसमें परिवार के 5 सदस्य दब गए। लोगों ने 3 सदस्यों को बाहर निकाल लिया, लेकिन हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह कॉलोनी का है। यहां पर कैराना निवासी यूनुस का 5 सदस्यों का परिवार रहता था। आज करीब शाम 3 बजे यूनुस अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद था। उसी दौरान यूनुस का मकान भर भरा कर गिर गया और यूनुस का पूरा परिवार मकान की छत के मलबे के नीचे दब गया। हादसे की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और पड़ोसियों ने घर पर पहुंचकर 3 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया, जबकि मलबे में दबने से मां व बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला का नाम नाजमा व मृतक बेटे का नाम मुरसलीन है। दरअसल शामली जनपद में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर DM इंद्र विक्रम सिंह व SP दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। ये कैराना कस्बे में आज बारिश काफ़ी हुई है। एक कच्चा मकान था, मकान तो पक्का था लेकिन उसकी छत कच्ची थी और वो मिट्टी मुझे लगता बारिश का वेट नहीं ले पाई, इसलिए पूरा छत गिर गई। उसमें एक परिवार रह रहा था जिसमें से एक महिला थी और उसका एक बच्चा था। इन दोनों की डेथ हुई है और एक बच्चा घायल है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। उसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया, उसका इलाज कराया जा रहा है और जो मृतक हैं उनकी आर्थिक सहायता की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वो मकान चूंकि उसकी छत कच्ची थी और मुझे लगता है बारिश की वजह से गीला होने से जो वेट आया और उसको गाटर पे टिका हुआ था, वो गाटर शायद वेट संभाल नहीं पाया, इस वजह से वो छत नीचे आकर गिर गई। बाकी आसपास उसके कोई मकान नहीं है जो सटा हो या जिसमें दरारें हों। ये ऐसे हुई है जी, बारिश रुकी थी जब भी और हम अपने घर पर बैठे हुए थे, बहुत जोर से आवाज़ हुई। आवाज़ होने पर हम जब बाहर निकल के देखे, एक मकान गिर गया था, उसमें 5 आदमी दबे हुए थे, जिसमें 2 को निकाल ले, 2 की हाथों मौत हो गई, एक को तो अंदर से निकाल ली, वो तो मरी ही निकली अंदर से। इसका नाम नाजमा है जी, ये कम से कम 40-45 साल की होगी। लड़का था वो 12-13 साल का था जी, और एक इनका अब्बू था जी, वो भी दबा हुआ था, उसको भी बहुत मुश्किल से निकाल लिया जी। और एक लड़का और था, वो यहाँ तक दब रहा था जी, पेट तक, उसको भी बहुत मुश्किल से निकाल लिया, उसकी भी टांग टूट रही है जी, उसके रोड डलेगी मेरा ड्राइवर है। आवाज़ आई, हम घर से भागे भागे गए 4 भाई, फिर वहाँ पे गए, उनको दबे हुए देखा तो उनको निकाला वहाँ से। मौके पे देखा उनकी अम्मी दबी हुई थी, उनके यहाँ पे गटर रखा हुआ था जी। ये बारिश रुकी थी अभी 3 बजे करीब, जब ही गिर गया मकान एकदम। एक लड़का था उनके यहाँ पे रखा हुआ था गटर, उनकी उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। अब्बू थे जो उनके खाट के नीचे दबे हुए थे, उनके ऊपर मट्टी थी, उनको निकाला जी। वो गाटर थोड़ा सा इतना खिसक गया, दीवार पे कम रखा हुआ था, फिर गाटर एकदम मुड़ा तो पूरी छत गिर गई उनके ऊपर। जनपद शामली में मानकों के विरुद्ध चल रहे निजी चिकित्सालय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां अनियमितताओं के चलते चिकित्सालय को सीज कराया गया। दरअसल मामला शामली शहर के आस्था हॉस्पिटल का है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आस्था हॉस्पिटल को सीज कर दिया। अनियमितता पाए जाने पर ACMO AK हांडा ने आस्था हॉस्पिटल पर बड़ी कार्यवाही की। हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से सीज कर दिया गया है और हॉस्पिटल मालिक को एक नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल हॉस्पिटल मालिक का नाम विनोद धामा बताया जा रहा है, जो पूर्व में सरकारी डॉक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। बताया जा रहा है हॉस्पिटल मालिक विनोद धामा हॉस्पिटल का संचालन पिछले कई सालों से करता आ रहा है। पूर्व में भी अनियमितताओं के चलते एक बार आस्था हॉस्पिटल पर सीज करने की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते हॉस्पिटल को फिर से चालू कर दिया जाता है। ACMO अशोक कुमार हांडा का कहना है कि आस्था हॉस्पिटल मानकों के विरुद्ध चल रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही, ना तो हॉस्पिटल में कमरों की बेहतर व्यवस्था है और ना ही मरीजों के लिए हॉस्पिटल में पंखे लगे हैं। इतना ही नहीं, जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां पर देखा कि हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की देखरेख के लिए कोई भी सर्जन मौके पर नहीं मिला और हॉस्पिटल के OT की हालत बहुत ही खराब थी। फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। आप देखिएगा कि आज कोई हादसे की सूचना मुझे मिली, मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। मौके पर ना तो मुझे वो पेशेंट मिला जिसके साथ हादसा हुआ है और ना ही इस अस्पताल से संबंधित कोई कर्मचारी, सर्जन, डॉक्टर कोई नहीं मिला। यहाँ मुझे करीब 4 मरीज पोस्ट ऑपरेटिव मिले हैं। चूंकि इनकी अटेंड करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैं एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए इन लोगों को शिफ्ट
जहाँ पर बेहतर सुविधा होगी मैं वहाँ शिफ्ट कराऊंगा। सारी अनियमितता है, आपने मेरे साथ देख के राउंड किया होगा, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई मतलब कोई अग्नि सामग्री अग्नि बुझाने वाली कोई कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई सिलेंडर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओटी यहाँ पे ओटी की हालत बहुत कमजोर से है, ओटी पे ताला लगा हुआ है, जहाँ पेशेंट लेटे हैं उन कमरों की हालत बहुत ख़राब है, उनके लिए कोई पंखा तक नहीं है और दरवाजों मतलब चौकटों के ऊपर दरवाजे नहीं है, ये सारी अनियमितताएँ हैं जो मुझे मिली हुई हैं। मेरी तरफ से आज अस्पताल पूर्ण रूप से सील किया जा रहा है और इसके बाद में इनको एक लेटर दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई के लिए भी जांच करेंगे। गांव बहेला के ग्रामीणों ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा पर योजनाओं का लाभ दिलाने और विद्युत बिल माफ कराने सहित अन्य कार्य कराने के नाम पर ठगी कर रुपया ऐंठने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाल अनिल कपरवान को शिकायती पत्र सौंपा। सोमवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहेला निवासी दर्जनों परिवार शहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के विरुद्ध शिकायती पत्र कोतवाल अनिल कपरवान को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि योगेंद्र वर्मा ने उनके बिल माफ कराने के नाम पर उनसे 300 से 400 रुपए लिए थे, जो बिल आज तक माफ नहीं हुए। वहीं योगेंद्र वर्मा ने उनसे लोन दिलाने के नाम पर भी 1100 रुपए लिए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने रुपए वापस मांगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की धमकी दी गई। गांव बहेला के ग्रामीणों ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और उनके रुपए वापस दिलाने की मांग की है। योगेंद्र वर्मा ने हिंदू महासभा का जो है यो बनाया, यो फ्रॉड है, इनने जो है गरीब जनता जो है वेल्ले वाले लूटे और सबसे नुकसान था कि बिजली के बिल के उससे जो है हम आ गए चक्कर में इसके, इनने सबसे जो है 200 किसी से 250 किसी से 300 रुपए लिए कि बिजली का बिल मैं सही करवा दूँ और विधवाओं के बिल जो है माफ करवा दूँ, करवाया कुछ नहीं। उसके बाद लोन का इनने जो है त्यागी है एक इसके धोरा बैठा योगेंद्र वर्मा के, इनने जो है 1100 रुपए का जो है 50,000 का लोन दिवाऊंगा। पहले तो कहा 21 औरतों का ग्रुप बना लो, 1100 रुपए दे दो, मैंने दिए नहीं, मैं 5 औरतों के पैसे दिए और वही जो है इनने कुछ करवाया नहीं और वो 1100 रुपए खा कर बैठ गया, गमन कर गया और उसके बाद धमकी भी दे रहा, नुकतेरे पे लिए जाएंगे तो ले लिए। उन्होंने कहा कि हम इस समस्या का हल कर देंगे, कार्रवाई करेंगे और हम अपनी परेशानियों में बिजली के मैटर में गरीब जनता के लिए फिर रहे थे। योगेंद्र वर्मा से हमारे ताल्लुकात हुए, योगेंद्र वर्मा हिंदू भारत अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से उसके बोर्ड लग रहे, ऊपर कार्यालय है उसका, हाँ कोतवाली के ऊपर हिंदू अखिल भारत महासभा के नाम से वो बोर्ड लग रहे उसके, और विधवाओं के उसने बिल माफ कराने के लिए बहुत पैसे लोगों से हमारे गाँव बहलने से ले लिए और उसके बाद जो है फिर उसने कुछ नहीं कराया, किसी लोन के नाम पर पैसे खा गया उसने, मेरे ख्याल में ये कोई 75,000 रुपये करीब 75,000 रुपये करीब उसने लूट लिए और फिर धमकी दे रहा वो मारने की, नो ले लियो तुम्हारे से जो तुम्हारे से होगा वो कर लियो और मैं करता नहीं, लोन मंजूर तक नहीं कराया इन विधवाओं के औरतों के जो ये खड़ी मेरे पास कहे थे जो हमारे साथ मुझे है हठ धर्मी कर रहा है और बदमाशी दिखा रहा है और मारने तक की धमकी दे रहे हो, और नुकाया सन 2008 में गोली मारी थी और मैं 3 दिन जेल में रहा था और मैं फिर बाहर आ गया था, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसी धमकी दे हम ये बार बार और कितने फोन वाके हो लिए इसके। आदर्श कॉलोनी स्थित पंचवटी धर्मशाला में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा पंडित चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सोमवार को आदर्श कॉलोनी स्थित पंचवटी धर्मशाला में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा पंडित चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने पंडित चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्पांजलि दी, वहीं सभी ने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज और देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। आज ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की 134वीं जन्मदिवस के उसमें आज हमने श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में स्पर्श करते हुए और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का आज संकल्प लेते हैं। ककरोली थाना क्षेत्र के गांव बहेड़ा सादात में बाइक और कार की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जहां ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मामले की सूचना पर अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया।
मामला ककरोली थाना क्षेत्र के गांव बहड़ा सादात का है, जहां गांव निवासी 36 वर्षीय मजदूर दिलशाद अपने साथी ओम प्रकाश के साथ बाइक द्वारा जा रहा था, जहां सामने से आ रही अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। मामले की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया। बीते दिनों नगर पालिका बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा अभद्रता के मामले में दर्जनों सभासद जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां हस्ताक्षरों को गलत उपयोग करने के मामले में सभी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया। सोमवार को दर्जनों सभासद जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने शपथ पत्र जिलाधिकारी राजीव शर्मा को सौंपे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते दिनों नगर पालिका बोर्ड बैठक में अभद्रता के मामले में सभासद अब्दुल सत्तार के विरुद्ध ईओ द्वारा तहरीर दी गई थी, जिस पर सभी सभासद ने हस्ताक्षर कर जिला प्रशासन को सौंपे थे। इन हस्ताक्षरों का कुछ सभासदों ने गलत उपयोग कर समर्थन दर्शाया है, जो कि गलत है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पीछे एक बोर्ड मीटिंग हुई थी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में, जिसमें बहुत ही अभद्रता का परिचय दिया गया था कुछ सभासदों द्वारा, और जो हमारी पत्नी वहाँ सभासद के रूप में बैठी थी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, जो एक सभासद हैं हमारे भाई हैं सत्तार, तो उनके खिलाफ जो है ईओ की तरफ से मतलब मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके विरोध में सभी सभासदगण ने मतलब जो है एक प्रार्थना पत्र पर साइन किए थे, और उन साइन का गलत उपयोग करते हुए मतलब कुछ सभासदगण ने डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को ये बताया कि हमारे पक्ष में 40 सभासदगण हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो 30 भी पूरे नहीं हैं, 20 से ज़्यादा सभासदगण आज इस विरोध में उनके जो मतलब उन्होंने 40 बताए हैं, 40 के विरोध में 20 सभासदगण यहाँ अपना प्रार्थना पत्र देते हुए, अपना शपथ पत्र देते हुए ये डीएम साहब को ये अवगत कराने आए हैं कि ये जो भी उन्होंने किया है अभद्रता या हमारे मतलब जो है साइन करके गलत उपयोग किया है कागजों का, उसके खिलाफ हम शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र देने डीएम साहब को आए, ताकि उसकी जो है निष्पक्ष जांच की जा सके और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सोमवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले दर्जनों ग्राम प्रधान जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसका बैठक के माध्यम से समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया। ग्राम प्रधानों ने कहा कि यदि बैठक के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले डीएम साहब से मिले हैं। कुछ प्रधानों के ऊपर झूठे फर्जी शिकायतें होती हैं और उनमें उनको रिकवरी दिखा के 5,000 की 6,000 की उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और 3 सदस्यीय समिति को तुरंत गठन के आदेश होते हैं। जबकि अगर प्रधान ने कहीं कुछ गलत हुआ हो तो प्रधान से नहीं हुआ, उस टीममेट बनाया होगा जेई ने, उसकी जिम्मेदारी होगी या सचिव की जिम्मेदारी होगी। और प्रधान के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रधान जब भी जांच आती है, ये लोग अगर पैसा दे दिया तो जांच सही, अगर नहीं दिया तो जांच में कुछ ना कुछ तो कमी मिल जाती है। आज हम डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब ने हमें शनिवार का टाइम दिया है मिलने का। सभी प्रधान, जिले के प्रधान और डीएम साहब और सारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी साथ रहेंगे, और ये एक ही कार्रवाई होगी, या तो रिकवरी होगी या सस्पेंड, एक ही होगा, सस्पेंड नहीं होगा। अगर रिकवरी होगी तो सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ 3 प्रधान अभी 3 दिन के अंदर अंदर सस्पेंड कर दिए, वो राजनीतिक दबाव में, सिर्फ राजनीतिक दबाव में। एक पल्डी के प्रधान जी हैं, वो श्रीमती सीबा शाहपुर ब्लॉक में पड़ती है। एक प्रधान जी वहाँ की है तिस्सा के शाहनजर, और जैतपुर के हैं ऋषिपाल। इनके तीन को भी 3 दिन में ही सिर्फ राजनीतिक दबाव में ये काम किया जा रहा है। जांच के नाम पर सिर्फ जांच होती है, प्रधान को वहाँ पर बुलाया भी नहीं जाता, सिर्फ चिन्हित किया जाता है कि प्रधानों को कि ये प्रधान है, इनको ये हमारे साथ नहीं है। सही है, सत्ता में अगर प्रधान रहेगा तो ठीक रहेगा, बाकी नहीं तो सबकी जांच होगी और उनको सबको सस्पेंड किया जाएगा। जांच हुई थी आरसीसी की और इनकी हुई थी। पल्डी की प्रधान है, उन्होंने 41,000 रुपये का काम अधिक किया हुआ था, उसको नहीं सुना गया, उनको 9 बिंदुओं पर उनकी जांच हुई थी, उनमें 8 सही पाए गए और 8 में 41,000 रुपये अधिक प्रधान ने खर्च किए थे। एक सड़क थी जिसमें 7 मीटर कम पाई गई थी, उसमें 6,500 रुपये की रिकवरी हुई, उसमें ही सस्पेंड कर दिया और तुरंत आदेश कर दिए, जबकि 41,000 रुपये अधिक लगा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है ना कोई उनको। प्रधान को क्या 41,000 रुपये अपने घर से लगा रहा है, उसके बाद भी उसको सम्मानित भी नहीं किया जा सकता। तो हमने शनिवार तक का टाइम दिया है, शनिवार को वार्ता होगी, अगर वार्ता विफल हुई
तो हम या तो सामूहिक इस्तीफा देंगे पूरे जिले के, और फिर हम यूपी में, पूरी यूपी में जाएंगे और आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर हम यहीं पर बैठेंगे। भीड़ तंत्र द्वारा की जा रही मारपीट और हत्याओं के विरोध में समाजवादी युवजन सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सोमवार को समाजवादी युवजन सभा के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने भीड़ तंत्र द्वारा की जा रही मारपीट और हत्याओं का काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें भीड़ तंत्र के विरुद्ध कानून बनाने की मांग की गई। आज जो हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमारी मांग है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, भारत के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भीड़ जानलेवा हमला कर रही है और जान से मार देती है, और इस जानलेवा भीड़ में एक ही समूह से जुड़े लोगों का ज़्यादातर नाम निकलता है, वह है RSS। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तिरुपुरा में मुजफ्फरनगर का जाहिर निवासी कपड़े की फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था, उसे बच्चा चोरी के शक में भीड़ द्वारा मार दिया गया। कल अलवर में एक गाय किसान को गो तस्कर बताकर मार दिया गया। इन घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं और सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग हम सब। नेशनल मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल वीक के तहत जिला चिकित्सालय में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लैब टेक्नीशियंस ने हिस्सा लिया। नेशनल मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल वीक के तहत जिला चिकित्सालय में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लैब टेक्नीशियन शामिल हुए। इस दौरान सभी ने रक्तदान किया और सभी से रक्तदान की अपील की। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर इकाई ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन मुजफ्फरनगर रक्त कोष पर किया है, और ये हमारा नेशनल मेडिकल प्रोफेशनल वीक मनाया जा रहा है 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई 2018 तक। इसी अवसर पर एसोसिएशन की तरफ से ये बहुत ही बड़ा रक्तदान शिविर हमने आयोजित किया है, जिसमें मिशन वंदे मातरम और बाकी और अन्य कई संस्थाओं का, भारतीय किसान यूनियन का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। बड़ी संख्या में यहाँ आज रक्तदाता उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री PH मिश्रा जी ने किया है। आज कितने आदमी हैं जो रक्तदान करेंगे? उम्मीद है कि 50 से ज्यादा यूनिट आज हम लोग यहाँ रक्तदान करके जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि धीरे 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 लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रक्तदान करने के लिए। ये स्वैच्छिक रक्तदाता हैं। इसके अलावा हमने यहाँ जो मुजफ्फरनगर जिला के टॉप 10 ब्लड वॉलंटियर्स हैं, ब्लड डोनर्स हैं, उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम अपनी एसोसिएशन की तरफ से किया है। इनमें प्रमोद मित्तल जी हैं और दीपक पंघाल जी हैं और शारदा देवी जी हैं। ऐसे करके 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा बार रक्तदान अपने जीवन में किया है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी हम लोगों ने आज यहाँ रखा हुआ है। किसान यूनियन भारत के किसानों का संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सोमवार को किसान यूनियन भारत के किसानों का संगठन के बैनर तले दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। इस दौरान सरकार द्वारा गन्ने के FRP में की गई 20% की कटौती को नाकाफी बताया गया। वहीं विभागों में निकलने वाली भर्ती में किसानों के लिए आवेदन शुल्क माफ करने की भी मांग की गई। एक तो उत्पीड़न बहुत हो रहा, और उसके अलावा ये जो राशन डीलर हैं, गरीब जनता को इस सरकार में नहीं मिल पा रहा, और गन्ने का मूल्य 400-500 रुपए चाहिए था और गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। इसमें भी हम लोग सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, हमारा पेमेंट अब तक नहीं हुआ। और रही उसकी बात, शहरों में इतनी अभी सरवट का हाल देखा था, वहाँ बहुत कूड़ा, सरवट गेट पर वहाँ भी बहुत बुरा हाल है, वहाँ बहुत गंदगी फैली हुई है। एक भोपा रोड ऐसी हो रही है, एक भोपा रोड है, और यहाँ से बहुत कचरा प्रदूषण है। जो कोई मरीज आ जाता है तो उसकी डेथ भी वहीं हो जाती है, ट्रैफिक नहीं, उनके पास पार्किंग नहीं, बहुत बुरा हाल है। तो अगर ये हमने आज DM साहब से मिले और DM साहब को ये ज्ञापन दिया, अगर इन पर कोई विचार ना हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।
भाकियू राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने जानसर तहसील में धरना प्रदर्शन किया, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कस्बा जानसर में 23 जुलाई तहसील परिसर में भाकियू राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सोमवार को भाकियू राष्ट्रवादी के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष नाहर सिंह सैनी के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसान व कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसान वक्ताओं ने कहा कि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, छोटे किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली मुफ्त दी जाए, सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, जो किसान बैंक कर्ज को नियमित दे रहा है किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा, किसानों के लिए सब्जी शहद दूध आदि का मूल्य निर्धारित किया जाए, वहीं गाय बछड़ों व बंदरों द्वारा जो फसल किसान की नष्ट की जा रही है उसका मुआवजा दिलाया जाए आदि मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार पुष्कर नाथ चौधरी को सौंपा गया। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल खबर सराहट कर।